आज के वक्त में टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां कई टिकटॉकर्स रातों रात फेमस होते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में मंजुल खट्टर भी एक नाम है जो कि 2.5 मिलियन फॉलोअर्स के साथ अपने फैन फॉलोइंग को आगे बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन जितनी शोहरत पे रातों रात कोई पहुंचता है उसे नीचे गिरने में भी एक छोटी सी गलती की वजह से ज्यादा वक्त नहीं लगता। दोस्तों बता दें आप सभी को कि हाल ही में कॉन्ट्रोवर्सी में घिर गए हैं मंजुल खट्टर, जहां एक फ्लोरेंस गर्ल ने उनके ऊपर ढेर सारे इल्जाम लगा दिए हैं एक गलत अश्लील चैट की वजह से। इनका नाम है जेसिका विवाल्दी और ये फ्लोरेंस में रहती हैं, जिन्होंने हाल ही में कुछ टिकटॉक वीडियोस अपनी बनाई उन्हें फैंस तक शेयर किया। इन टिकटॉक वीडियोस में वो क्या कह रही हैं उनकी लैंग्वेज को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रही हैं, इंग्लिश में उन्होंने नहीं बोला। लेकिन जो चैट्स उन्होंने शो की है उससे ये पता चलता है कि मंजुल खट्टर ने उन्हें अप्रोच किया है। मंजुल खट्टर उन्हें कहते हुए नजर आए हैं कि उन्होंने उनको टिकटॉक पर देखा और वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, अपनी प्रोफाइल भी वो उन तक शेयर करते हुए देखे गए, जिसके बाद ये बातचीत काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ी और मंजुल खट्टर उनके लिप्स की तारीफ करते हुए देखे गए। वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रही थी जहां मंजुल ने उन्हें कहा कि तुम अपनी लैंग्वेज में बात कर सकती हो और इंग्लिश में भी करना चाहो तो कर सकती हो, इट्स फाइन फॉर माई साइड। और उसके बाद कन्वर्जेशन जब आगे बढ़ी तो एक दूसरे का हालचाल भी लिया जा रहा था और इस माहौल में क्या किया जा रहा है ये भी पूछा गया। जब वो अपनी मूवी को लेकर बात कर रही थी कि वो एक मूवी देख रही है और वो रोमांटिक है, तो यहाँ मंजुल खट्टर ये कहते हुए नजर आए कि अच्छा अच्छी बात है, अगर ये रोमांटिक और ड्रामा फिल्म है तो ये मूवी तो हम दोनों को एक साथ बैठकर देखनी चाहिए, और इसमें नॉटी इमोजी का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। जिसके साथ ही कॉन्वर्जेशन जब आगे बढ़ रही थी तो अपनी तस्वीरों को वो भेजना शुरू करते हैं और एक फोटो सेंड करने के बाद लिखते हुए नजर आते हैं व्हाट्सएप, फिर दूसरी फोटो भेजते हैं, फिर लिखते हैं वाना सी इट अगेन और फिर लिखते हैं से क्वेश्चन मार्क, जहां जेसिका नाम की उस लड़की का सीधा ही रिप्लाई आता है, यू गॉट कंफ्यूज्ड, आई एम नॉट दिस टाइप ऑफ गर्ल, आई डोंट नो इफ यू आर ड्रंक, आई गेस नो, इफ यू आर जस्ट वांट दिस देन फॉरगेट इट। क्योंकि अपनी कॉन्वर्जेशन में ये तक कहते हुए नजर आए हैं मंजुल खट्टर उनसे कि वो बोर हो रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं ज़्यादा शराब पीने की वजह से, और उस दौरान उन्होंने उनके साथ ही कॉन्वर्जेशन की है। जब जेसिका को ये पता चलता है कि मंजुल उनके साथ ये गलत बातें कर रहे हैं तो उसी वक्त अपनी कॉन्वर्जेशन को रोक कर पूरी दुनिया के सामने ये सच लेकर आई है कि मंजुल ने उनके साथ किस तरीके से कॉन्वर्जेशन रखी है।